स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, रैंडम वेरिएबल एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अपने आज करेंगे रैंडम वेरिएबल। क्या है भैया रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल का मतलब हो गया कि वो वेरिएबल जिसके अपने लोग को पहले से प्रोबेबिलिटीज़ मालूम है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ सिंपली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों एक एक वेरिएबल है। अब ये एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है और वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? भैया कुछ भी हो सकता है। एक्स कैन बी माइनस फाइव देन वाई विल बी प्लस 15, एक्स कैन बी माइनस 100 देन वाई विल बी प्लस 115, एक्स कैन बी 5 वाई कैन बी 5। तो ऐसे तो एक्स और वाई की कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ। बट अगर मेरे को ये एक वेरिएबल वर्ड समझ में आता है कि हाँ एक्स और वाई जिसकी वैल्यूज अननोन होती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? रैंडम वेरिएबल का मतलब हो गया जिस वैल्यू वेरिएबल्स की मैं पहले से प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ रोलिंग ऑफ अ डाइस, तो डाई में अपने लोग का क्या क्या आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब ये मैंने कह रहा हूँ कि मैं एक डाइस रोल करने वाला हूँ सपोज 10 बार, तो क्या मेरे को पहले से मालूम है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ कितने बार आएंगी? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है कि क्या वैल्यू हो सकता है 10 का 10 बार 5 आ जाए, हो सकता है 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए, बाकी के 6 बार 4 आ जाए। तो अपने लोग को अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे अपने कि एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो अपने क्या बोलेंगे कि अगर अपने लोग को एक्स के आउटकम्स मालूम हैं और अगर अपने लोग उसके प्रोबेबिलिटीज़ जान ले, मतलब अपने लोग बोल दे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, तो इस एक्स को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्योंकि उस एक्स को अगर अपने उसके प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एसोसिएट कर दे तो वो एक रैंडम वेरिएबल बन जाता है। अच्छा, एक डाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, 1 आने की, 2 आने की 1/6, ऐसी 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की और 6 आने की। भैया आपने यहाँ लिखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए एक बड़ा एक्स है और एक छोटा एक्स है। बड़ा एक्स इज इक्वल्स टू छोटा एक्स का मतलब हो गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मतलब भैया कि ये जब 1 लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इसका नोटेशन हो गया पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। वैसे सिमिलरली इसका नोटेशन हो गया पी एक्स इज इक्वल्स टू 4। अपने लोग को नोटेशन बहुत काम की है आगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ को लिखते कैसे हैं। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ सकते हैं। अब भैया ये चैप्टर कर क्यों रहे? देखिए अभी तक अपने जितना भी सवाल कर रहे थे मीन मीडियन मोड में, वो सब पास्ट डेटा के लिए थे। पास्ट डेटा इन द सेंस कि उधर एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं, तो अपने लोग के पास एक्स रहता था और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रहते थे और अपने लोग सवाल कर देते थे, ठीक कि नहीं? अपने को मीन मीडियन मोड निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब निकालना आता है। बट अब ये एफएक्स नहीं है अपने पास, मतलब अपने पास अब फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो अब अपने लोग कैसे उसका मीन मीडियन मोड निकाले? अपने लोग फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस कर देते हैं उसका प्रोबेबिलिटीज से, क्योंकि जितने टाइम्स वो ऑकर करेंगे वो उतना ही होगा जो उसका चांस है ऑकर करने का, अगर अपने पास एक फ्यूचर डेटा है तो। क्लियर हो रहा है बात? यानी फार्मूलाज भैया कुछ नया होने वाला है क्या? नहीं, अगर आपको फार्मूलाज याद है तो मैं आपको बता दूं फार्मूलाज याद करने ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सेम एज प्रीवियस फार्मूलाज होने वाली हैं। बोलिए आपको बात समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने लोग को याद होगा कि जब अपने एक्स और फ्रीक्वेंसीज को एक टेबल में लिखते थे उसको क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी टेबल। वैसे ही एक्स और प्रोबेबिलिटी को अगर एक टेबल पर लिखेंगे तो आप ट्राई लीजिए उसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो रहा है आपको बात? ठीक भैया, तो अब इतने इसके बाद क्या इसका मीन मीडियन मोड और एचडी निकालेंगे क्या? हाँ, अपने लोग को निकालना पड़ता है एक फ्यूचर डेटा का मीन और एचडी, क्योंकि यही दोनों बेस्ट मेजर थे सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज डिस्पर्जन का। तो आने वाले चैप्टर्स में बेसिकली अपने ज़्यादातर मीन और एचडी ही निकालते हैं, ठीक है। अब अपने को ये जानना है सबसे पहले कि ये रैंडम वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? एक डिस्क्रिट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है, अगर मैं आपको बोलूं तो द वैल्यू विच विल टेक अ सर्टेन फिगर, द वैल्यू विच विल टेक अ सर्टेन फिगर, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होने वाली है ना वो सर्टेन वैल्यू होंगी।
सर्टेन वैल्यू का मतलब भैया सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहाँ पे कितने टोटल स्टूडेंट हैं 50। अगर मैं गिनना चालू करूँ तो कैसे होगा, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, क्या ऐसा होगा 3.66 स्टूडेंट बैठे हैं? ऐसे तो गिन नहीं सकते ना अपने। यानी जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसकी हमेशा एक सर्टेन वैल्यू होती है, यानी क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। बोलिए आपको क्लियर हो रहा है बात? वैसे भैया कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, जब कोई सर्टेन वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब इट विल लाई बिटवीन अ रेंज। जैसे मैं आपको बोलूँ आपकी एज क्या है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि हमारी सपोज एज 19 ईयर्स है, बट नहीं, एक्चुअली आपकी एज है 19 प्लस, क्योंकि आप 19 ईयर्स कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट के हैं। बोलिए क्लियर हो रहा है आपको बात? तो अपने बोलते हैं कि अपना जो एज है दैट इज 19 to 20। जब डॉक्टर के भी जाते हैं तो देखना आप लिखवाते हैं, जब से आप बोलते हैं आपकी एज 19 है वो लिखता है 19 प्लस, क्योंकि उसको मालूम है कि कंटिन्यूस वेरिएबल है ये। बोलो आपको बात समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रीट केसेस में सर्टेन वैल्यू लेंगे और कंटिन्यूस केसेस में अपने लोग एक रेंज में आंसर लग करेंगे। भैया इसका और एग्जांपल दीजिए ना डिस्क्रीट केसेस का, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, और क्या होता है भैया नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, क्या ऐसे होगा कि 5.6 स्टार्स है? नहीं, 5 होगा, 6 होगा, बट भैया ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। हाँ, डिस्क्रीट केसेस में गो अप टिल इन्फिनिटी। बोलो बात समझा? जैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, ये सब डिस्क्रीट केसेस के एग्जांपल हो गए। वैसे कंटिन्यूस केसेस के एग्जांपल क्या क्या हो गए भैया? एज, और क्या क्या हो गए, चाइल्ड अपना जो वेट है, और क्या क्या हो गया भैया अपना जो हाइट है, ऑल दीज आर दी एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस डेटा। और क्या होता है भैया अपना जो सैलरी है वो भी एक स्लैब में लाई करता है, कभी भी एक परफेक्ट फिगर नहीं बोल सकते अपने। बोलिए आपको बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए दो टाइप। अब ये दोनों टाइप का अपने को एक एक करके सारे प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं कि इसके प्रोबेबिलिटी कितने होने वाले हैं और इसका मीन, मीडियन, मोड या फिर मीन और एचडी क्या होने वाले हैं। पूरा बात समझ में आया? डिस्क्रीट केस का सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मूला कैसे बनता है। डिस्क्रीट केसेस के लिए अपने लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये इसकी नामकरण है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब अपने लोग को अगर इसका सबसे पहले निकालना है मीन, तो अपने मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं भैया, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ बाई समेशन ऑफ एफ। ये फ्रीक्वेंसीज के साथ अपने फॉर्मूला जानते ही थे। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्यूचर डेटा है तो अपने लोग यहाँ पे एफ की जगह क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और नीचे भी क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा मेरे को बताइए समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऑलवेज 1। सारे प्रोबेबिलिटीज़ अगर एक एक्सपेरिमेंट के ऐड किए जाए तो वो 1 आ जाएगा। यानी ये फार्मूला बन गया समेशन ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द फार्मूला फॉर मीन, जिसकी नोटेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज ई एक्स और म्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज ई एक्स और म्यू, ये फ्यूचर डेटा के लिए रिप्रेजेंटेटिव है इसकी साइन। ये हो गई मीन की फॉर्मूला। सिमिलरली इसकी एचडी या फिर वेरिएंस बोलूँ तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ बाई समेशन ऑफ एफ माइनस अपने ऑलरेडी जानते हैं मीन का स्क्वायर। हाँ भैया ये फॉर्मूला तो देखा हुआ है हम लोग का पहले, बस अब इसी फॉर्मूला में इनोवेशन कर दीजिए और f की जगह पी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दीजिए और f की जगह पी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दीजिए माइनस मीन, ऑलरेडी अपने जान गए साइन कि म्यू स्क्वायर होता है या फिर ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला नीचे वाला भी 1 होगा ऑलवेज, तो ऊपर वाला बच गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर या ई एक्स का होल स्क्वायर। भैया यहाँ भी वेरियंस का कोई नाम है क्या? हाँ, यहाँ पे वेरिएंस को बोलते हैं अपने सिग्मा स्क्वायर। क्या बोलते हैं अपने इसको? सिग्मा स्क्वायर। तो भैया सिग्मा का मतलब क्या हो गया? एचडी। अगर खाली सिग्मा बोला जा रहा है तो एचडी यानी रूट ओवर ऑफ दिस। अब ये जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स है इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे वो बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू दैट फ्रीक्वेंसी यानी दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका नाम हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या आपको बात? एक होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इससे वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा और इसका रूट लेने से अपना एचडी आ जाएगा।
बोलिए डिस्क्रीट केसेस की फॉर्मूला आपको समझ में आई? बस अगर डिस्क्रीट समझ में आ गया तो आप समझ लेना कि आपको कंटिन्यूस भी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि कंटिन्यूस डिस्क्रीट में जहाँ जहाँ आपने समेशन कर रहे थे यानी एडिशन कर रहे थे, अब उसकी जगह आपने लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि समेशन मतलब ही एडिशन होता है और इंटीग्रेशन मतलब ही एडिशन होता है। समेशन होता है जब केसेस आर डिस्क्रीट और इंटीग्रेशन होता है जब केसेस आर कंटिन्यूस, यानी जहाँ जहाँ समेशन आ रहा था वहाँ वहाँ अब अपने लोग के लिए इंटीग्रेशन आ जाएगी। और जहाँ जहाँ डिस्क्रीट केसेस में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा था यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ रहा था, वहाँ वहाँ अब आ जाएगा एफ एक्स। यही एफ एक्स का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कंटिन्यूस केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी के नाम हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बोले क्लियर हुआ बात? अब फटाफट अपने इसका मीन का फॉर्मूला देखे तो क्या बन जाएगा भैया? समेशन की जगह इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स, और जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आता है वहाँ अपन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने इसका वेरिएंस का भी फॉर्मूला बोले यानी क्या सिग्मा स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होना तो वही है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें ई एक्स यहाँ पे अपना निकल चुका है और ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। भैया काम का बात बताइए, क्या ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है? सॉल्व करने तो कभी नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग को नहीं देगा सॉल्व करने के लिए स्टैट्स में, बट आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना तक ही ये रेस्ट्रिक्टेड है। बोलिए आपको बात समझ में आ गया? तो ये हो गया कंटिन्यूस केसेस और डिस्क्रीट केसेस के डिवीजन और इसका मीन और एचडी का फॉर्मूला। अब ये मैं क्यों सिखाया सबसे पहले, क्योंकि मेरे को इसमें बताना था कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब तक अपने को यही नहीं समझ में आएगा कि अपने आगे करने के हवाले हैं तो अपने लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भैया? कुछ नहीं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी तक अपने जितना भी सवाल प्रोबेबिलिटीज के कर रहे थे उसमें अपने लोग सैम्पल स्पेस गिन पा रहे थे, सैम्पल स्पेस गिन पा रहे थे इन द सेंस कि अपने ये बोल पा रहे थे सपोज कि अपने लोग अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 बार तो अपने उसका सैंपल स्पेस बना लिया था, हेड 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 टेल कर करके 8 केसेस आ गई थी। बट अगर यहीं पे मैं बोलता हूँ आपको सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 30 हेड्स, तो अब अपने लोग अगर सैंपल स्पेस बनाने जाए और गिनना चालू करें तो मेरे ख्याल से आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब जो केसेस है उससे अपने लोग के लिए एक बड़ा वहाँ पे जो पुराने आदमी लोग हैं जो इसमें रिसर्च किए थे स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो लोग एक एक डेरिवेशन निकाल लिए कि अगर अपने लोग इस फॉर्मूला में उसको बैठाए तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 फार्मूला है। कौन सा 2 फार्मूला है भैया? एक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट के लिए है, और एक आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डिस्क्रीट के लिए है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही कंटिन्यूस के लिए आपके सिलेबस में बुक में तो लिखे हुए हैं 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्वेश्चन आज तक सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पूछा गया है। तो भैया इस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है? टोटल 4, जिसमें 1 बाइनोमियल पूछेगा, 1 पॉइजन पूछेगा और 2 नॉर्मल से पूछता है जनरली। ठीक है, अगर मैं अब इसको लिखना चालू करूँ तो मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करते हैं अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, इससे अपने सबसे पहले सीखना होगा कि इसको बनाने से पहले अजम्पशन क्या रही थी जो इस आदमी ने बनाया था। भैया ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने बनाया था? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज सच बनाया हुआ है बर्नौली का, जो पहले बना दिया था 1 ट्रायल के लिए और इसको n नंबर ऑफ ट्रायल के लिए बायनोमियल में अपने लोग ऑलरेडी डिराइव कर लिए। ठीक है, बर्नौली नाम था उस आदमी का जिसने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था और उसको n केसेस के लिए अपने बायनोमियल में बना दिया। अब सुनिए इसकी अजम्पशन क्या क्या है। सबसे पहला अजम्पशन है कि जो ट्रायल्स हैं, या ट्रायल्स मतलब क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक बार कॉइन को टॉस करना और दूसरी बार कॉइन को टॉस करना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ है, तो इसलिए उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है क्या? हाँ लग सकती है। और क्या क्या अजम्पशन है भैया? सेकेंड अजम्पशन और सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि अपने इसके आउटकम्स को, आउटकम मतलब एक ट्रायल्स के जितने आउटकम्स होते हैं जिसको अपने इवेंट्स बोलते हैं, 2 भाग में ब्रेक करेंगे। कौन से 2 भाग में? एक सक्सेस होगा अपने लिए और एक अपने लिए फेलियर होगा।
समझ में आपको बात, मतलब अपने लोग कोई भी आउटकम्स को दो भाग में ब्रेक कर देंगे, जो कि एक होगा सक्सेस और एक होगा फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अपने पी से डिनोट करेंगे और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को अपने क्यू से डिनोट करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ क्यू होगा 1 - p, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। भैया तो मतलब हमेशा दो दो आउटकम होगा क्या, यानी तो पी हमेशा हाफ हो गया और क्यू हमेशा हाफ हो गया? नहीं, हमने क्या कहा, हम कोई भी आउटकम्स को दो भाग में ब्रेक करेंगे। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल ले सबसे पहले एक कॉइन का ही, तो एक सक्सेस मेरे लिए सपोज हेड है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। तो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमेशा सक्सेस और फेलियर हाफ ऑफ होने वाला है, बट नहीं। अगर सपोज एक डाइस को रोल कर रहे हैं और मेरे लिए सक्सेस है गेटिंग अ 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर मी 1/6, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर मी 5/6। बोलिए आपको बात समझ में आया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी और जो सक्सेस है वो मेरे लिए सक्सेस के लिए पी हो गया और जो बाकी के प्रोबेबिलिटीज वो मेरे लिए क्यू हो गए। आगे बढ़ सकते हैं। और थर्ड बोल रहा है कि इधर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होने वाले हैं वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1, 2, 3 ऐसे जाते जाते फाइनाइट केसेस तक, यानी एन तक ये ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब अपने लोग को सीखना है कि भैया इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बोला जाता है कि अगर एक एक्स वेरिएबल है और वो बिलोंग कर रहा है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बिलोंग कर रहा है मतलब फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और क्या क्या होता है भैया, जो अपने डाइस को रोल करते हैं, एंड वेरियस एग्जाम्पल्स आते हैं। तो अपने बोलते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर्स n, p, विथ पैरामीटर्स n, p। या पैरामीटर मतलब होता है जो उसकी वैल्यू मेजर कर सकता है। मतलब अगर कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको n बता दूं, n मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। और अगर मैं आपको उसकी p बता दूं, मतलब क्या होता है भैया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो अपने कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसकी दो पैरामीटर है। बोले बात समझ में आ रहा है? अपने लोग को सम्स आने के चांस बहुत नेग्लिजिबल है, यही सब थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक। अब अपने लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना सीख लेते हैं, मतलब कि इसकी मास फंक्शन कैसी होगी। प्रोबेबिलिटी x = nCx, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और x आपको क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 हेड, जो अपने एग्जाम्पल में चल रहा था। p^x, p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, p^x, q^n-x, जहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये x क्या क्या वैल्यूज लेंगी। x की वैल्यू होगी 0, 1, 2, up till n। बोले बात समझ में आ रहा है? मतलब x या तो 0 हो सकता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू n हो सकता है, ठीक है। जैसे अपने वाले एग्जांपल में अपने को निकालना था प्रोबेबिलिटी कि x लेगा 30, यानी हेड हो जाएगा 30, तो 50 टाइम्स अपने कॉइन को टॉस किए थे, यानी 50c 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है हेड का, 1/2 to the power 30, एंड क्यू कितना हो गया, 1/2 to the power 20, यानी n-x = 20, और इससे अपने आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए आपको बात समझ में आया कि क्या है थ्योरी अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? काम का बात बताइए भैया, इसमें भी क्या है, इसमें जनरली क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जर्वेशन से, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है भैया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इसका मीन का फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा क्या होता है भैया, वेरी सिंपल, n × p। इसकी भी डेरिवेशन है बट अपने कोई काम की नहीं है, ठीक है। n × p का मतलब भैया, n अपने जानते हैं क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p मतलब क्या हो गया अपने लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं एग्जांपल से लेके चलता हूँ। सपोज x बिलोंग कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 30, 1/3, ठीक है, 30, 1/3, यानी यहाँ 30 हो गया n और p हो गया 1/3। तो क्या मीन निकाल सकते हैं, क्या हो गया, 30 × 1/3 विच कम्स टू 10। अगर सम्स आया तो इतना ईजी सम्स आएगा। बोलिए आपको बात समझ में आ रहा है? सेकेंड फार्मूला होता है इसका वेरिएंस का। क्या फार्मूला होता है भैया वेरिएंस का, जिसको अपने सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, n × p × q, जो कितना हो जाएगा अपने केस में, 30 × 1/3 × 2/3 विच विल कम टू 20/3। बोले बात समझ में आ रहा है आपको भैया? इससे कैसा क्वेश्चन आता है, या तो यही पूछेगा कि मीन निकालो और वेरिएंस निकालो, या फिर इसमें अगर मैं आपको थ्योरी बोलूं क्या आ सकता है, गौर से देखिए, हमको बताइए मीन बड़ा होगा कि वेरिएंस बड़ा होगा। ऑलवेज मीन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर अपने एनपी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी एनपी देख रहे हैं, और अगर उसको अपने क्यू से इंटू कर रहे हैं विच इज़ लेस देन 1, तो ऑलवेज वेरियंस इज़ लेस देन दी मीन।
बट ये किस केस में वैलिड है? ओनली इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरियंस। और एक बात अपने को सीखना होगा कि वेरियंस विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वेरियंस सबसे ज़्यादा होता है कब भैया? एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? जब अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीमेट्रिक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीमेट्रिक, भैया ये सीमेट्रिक वर्ड तो बहुत पहली बार सुन रहे हैं। सीमेट्रिक वर्ड का मीनिंग होता है जब ग्राफ का बीच वाला पॉइंट यानी मोड जहाँ आता है, वो जहाँ भी मोड आता है वहाँ पे अपना ग्राफ इक्वली डिवाइडेड है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये वाली एक डायग्राम बनाऊँ, ये वाली और एक डायग्राम बनाऊँ ये वाली, तो इस ग्राफ में मोड कहाँ कहाँ है? इसकी मोड यहाँ पे है, इसकी मोड यहाँ पे है और इसकी मोड यहाँ पे है, यानी हाईएस्ट वैल्यू, द ऑकरेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर मोड अपने मार्क कर ले तो अपने देख रहे हैं कि इसके राइट हैंड साइड के मोड में वैल्यूज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं अपने पॉजिटिवली स्क्रूड। भाई स्क्रूड मतलब क्या हो गया? शेप ऑफ द कर्व। मतलब अपने लोग अगर ग्राफ को बताए कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्रूड। वैसे इसका मतलब क्या हो गया भैया? कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा वैल्यूज है मोड के, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्रूड। स्क्रूड और इसकी क्या है भैया? इस तरफ और इस तरफ इक्वल वैल्यूज है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसकी जो स्क्यूनेस है यानी इसका जो स्क्यूड वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो होगा। और इसी ग्राफ को अपने बोलते हैं सीमेट्रिक ग्राफ, जिसके मोड के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल वैल्यूज आते हैं। क्लियर हुआ कि आपको बात? तो इसकी स्क्यूनेस ज़ीरो हो गई। अब बोल रहा है अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीमेट्रिक है, यानी ये वाली ग्राफ लेगा, ये वाली ग्राफ कब होता है भैया? ये वाला ग्राफ तब होता है जब पी इज इक्वल्स टू 0.5 होता है, मतलब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ है तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफ फॉलो करता है। और जब प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो वो पॉजिटिवली स्क्रूड होता है, और जब प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिवली स्क्रूड होता है इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ सिमेट्रिक है तो अपने बोलते हैं कि उसकी जो वेरियंस है वो हमेशा सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अब हमको बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरियंस का? एन पी क्यू। अच्छा, ये सिमेट्रिक है मतलब इसकी पी कितनी हो गई? 0.5, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? एन इंटू हाफ इंटू हाफ, विच इज इक्वल टू एन बाई 4। अपने को अल्टीमेटली ये बात याद रखनी है कि वेरियंस की हाइएस्ट वैल्यू हो गई एन बाई 4। बोलिए बात समझ में आया आपको? ठीक है, अब अपने लोगों को एक और बात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जानना है, वो है इसकी मोड की कैलकुलेशन। ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। मोड होता है, अगर मैं आपको बोलूं तो अपने को सबसे पहले मोड निकालने के लिए n प्लस 1 बाई पी निकालना होगा। n प्लस 1 बाई पी निकालते ही अपने को उसकी वैल्यू देखनी होगी। अगर वो एक नॉन इंटीजर है और अगर वो एक इंटीजर है, ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10, 1/2, यानी p कितना हो गया, n क्या हो गया यहाँ पे 10 और p कितना हो गया यहाँ पे 1/2। तो n प्लस 1 बाई पी और n प्लस 1 इंटू पी कितना हो जाएगा 11/2, विच कम्स टू 5.5, जो कि क्या आया? एक नॉन इंटीजर। तो भैया अगर नॉन इंटीजर है तो मोड क्या हो जाएगा? मोड यानी म्यू जीरो विल बी इक्वल्स टू लार्जेस्ट इंटीजर इन n प्लस 1 इंटू पी। ध्यान रखिएगा मैंने वर्ड लिखा है लार्जेस्ट इंटीजर, जैसे यहाँ क्या आया 5.5, तो इसकी मोड क्या हो जाएगी? 5.06। क्यों भैया? राउंड ऑफ नहीं करेंगे? नहीं, जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू है वही लेंगे, यानी 5.8 भी आता तो आंसर क्या होता? 5। तो आंसर क्या हो गया मोड का? 5, क्योंकि अपना यहाँ पे n प्लस 1 पी कितना आया था? 5.5। बोले क्लियर हुआ आपको बात? यानी इसका कितना मोड हुआ? 1, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी मोडल। और जब n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू पी अपना इंटीजर है, यानी सपोज एक एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 11, 1/2, तो अपने बोलेंगे कि इसका कितना आया n प्लस पी 1 इंटू पी 6। तो अगर ये आंसर हो रहा है तो वो एक इंटीजर है, तो मोड होता है खुद n प्लस 1 इंटू पी। एंड ध्यान रखिए मैंने वर्ड क्या लिखा है, एंड n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो गया भैया? 6 एंड 5, यानी मोड दो दो ठो आए, इसलिए इसको बोलते हैं बाई मोडल।
यानी एक सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड दो हो सकता है, या तो यूनी या तो बाई, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ एन प्लस वन इन टू पी। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक, ये मोड का कैलकुलेशन हो गया। अब अपने लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक और बात जानना है वो है इसका एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब भैया कि अगर x बिलोंग कर रहा है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p या n1 कॉमा p एंड x y बिलोंग कर रहा है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n2 कॉमा p, मतलब गौर से देखिएगा मैंने p p दोनों तरफ सेम लिखा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों वेरिएबल का सेम होना चाहिए भले ही नंबर ऑफ ट्रायल्स अलग अलग हो जाए, और x और y को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन ही था। तो अपने बोलते हैं कि x प्लस y जो कि एक नया वेरिएबल है cz विल ऑल्सो बिलोंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n1 प्लस n2 कॉमा p। एक एग्जांपल दे दीजिए भैया कि सपोज x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 कॉमा हाफ एंड y बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 12 कॉमा हाफ, और x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और अपने देख सकते हैं p और p सेम है, तो बोलेंगे x प्लस वाई विल ऑल्सो बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 प्लस 12 विच इज 22 कॉमा हाफ। बोलिए बात समझ में आया? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लॉजिक्स थे, और इसके टफ टफ सवाल भी है जो मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए, अपने अगर आएंगे तो बेसिक बेसिक सवाल ही आएंगे जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे करा दिया। अपने नेक्स्ट वीडियो पे बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।